वेलकम बैक टू DIM यूट्यूब क्लासेस। आज हमारा लेक्चर है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल फंड रिक्वायरमेंट। तो आपको अपना फाइनेंशियल जितने भी फंड की रिक्वायरमेंट है उसका एक एस्टिमेशन बनाकर चलना पड़ेगा, जिससे कि आपको आने वाले उसमें टाइम में या फिर आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में कोई भी फंड की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, और या फिर आपको फंड की वजह से चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेशन बनाना, दैट मीन्स फंड के लिए आपको एक बजट बनाना है। देखिए इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या किस तरह से हम कर सकते हैं। मोस्ट बिजनेस स्पेशली व्हेन दे आर स्टार्टिंग अप और प्लानिंग द एक्सपेंशन द फेस पीरियड व्हेन दे नीड टू रिलाई ऑन आउटसाइड रिसोर्सेज से अब्रॉड। ज्यादातर बिजनेस जो भी स्पेशली जो स्टार्टिंग है या प्लानिंग अप कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, स्टार्टिंग है या एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या होती है, बेटा फंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उनको देखना पड़ता है कि वो किस तरह का फंड चाह रहे हैं और कहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। ठीक है, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना है आपको। वेदर द फंड्स कम फ्रॉम द ऑनर्स पॉकेट, एक्युमुलेटेड बिजनेस प्रॉफिट, तो फंड देखें आपको कहाँ से आ रहे हैं, ऑनर की पॉकेट से आ रहे हैं, एक्युमुलेटेड आपके प्रॉफिट्स हैं इन केस ऑफ एक्सपेंशन इतने से, और आउटसाइड फंडिंग करनी है आपको, किसी सोर्सेज से फंड लेना है, वेदर इट इज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट, किसी से प्राइवेटली लेना है, अपने दोस्तों से कैरी करना है, जो भी आप चीजें करना चाहते हैं वो आप लोगों को देखनी है, एक एस्टिमेशन बनाना है। दे प्रोवाइड द लाइफ लाइन दैट कीप्स द बिजनेस गोइंग एंड वेल एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। यूज द इन्फॉर्मेशन हियर टू फोरकास्ट हाउ मच मनी यू नीड एंड टू हाउ लॉन्ग। फर्स्ट है आपका क्रिएट अ रियलिस्टिक फोरकास्ट ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो आप लोगों को अपना एक परफॉर्मा बनाना है या फिर आप कह सकते हैं एक स्टेटमेंट बनानी है कि आपको फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, अपने इनकम्स एक्सपेंडिचर सब चीजें एक्सप्लेन करनी है, जिससे कि आपको सबसे पहले पता चले आपको रियल रिक्वायरमेंट है कितने की। तो यही कह रहा है क्रिएट अ रियलिस्टिक फोरकास्ट ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन, फॉलो द स्टेप्स टू प्रिपेयरिंग अ परफॉर्मा एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट अलॉन्ग विद द एस्टिमेटेड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बेटा एस्टिमेट योर फंडिंग नीड। आपको अपनी फंडिंग नीड का एस्टिमेशन लगाना है, तो आप ये कहाँ से निकाल सकते हैं, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं ना, उसमें इनफ्लो आउटफ्लो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोग कैश रिक्वायरमेंट तो पता चल ही जाएगी। सो यूज योर फाइनेंशियल फोरकास्ट एंड स्पेशली योर कैश फ्लो प्रोजेक्शन टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग यू एंटिसिपेट एक्सपेंसेस टू एक्सीड रेवेन्यू एंड हाउ मच। डू सो हेल्प्स यू गेट अ हैंडल ऑन डूइंग सो हेल्प्स यू गेट अ हैंडल ऑन व्हेन यू एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। तो आप लोगों का ध्यान भी रहेगा, आप लोगों को पता भी रहेगा, हैंडल आउट भी कर सकते हैं कि आपको कितने एक्सपेंसेस इनकर करने हैं, कितनी आपकी इनकम होने वाली है इस वाले टाइम पीरियड में, इसको देखकर और कितनी आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, किससे पता चलेगा, आपको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। क्रिएट अ फंडिंग टाइम फ्रेम, तो आप लोगों को ये भी फ्रेम करना है कि कितने टाइम के लिए आप लोगों को उस फंड की रिक्वायरमेंट है, कि भाई आपके आने वाला पैसा आपके पास एक साल में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, या फिर FDs वगैरह जिस तरह से है कि हाँ वो टूट जाएगी तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो आप लोगों को ये भी देखना है कि आपको फंड की रिक्वायरमेंट कितने टाइम के लिए है। मान लीजिए 5 साल का लोन ले लिया, 10 साल का लोन ले लिया, और 2 साल में ऐसा हो गया कि आप लोगों की सेल इस तरह की बढ़ गई है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आपको कितने टाइम के लिए लोन लेना है, जिससे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सके, इंटरेस्ट वगैरह कम देना पड़े चीजों पर। सो क्रिएट अ फंडिंग टाइम फ्रेम आफ्टर यू एस्टैब्लिश हाउ मच फंडिंग यू नीड, कितना फंड चाहिए आपको, फिर शेड्यूल प्रिपेयर करना है कि कितने टाइम के लिए चाहिए, देन क्रिएट अ शेड्यूल फॉर हाउ लॉन्ग यू नीड द फंडिंग एंड टू लास्ट बिफोर योर बिजनेस नीड्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। दिस शेड्यूल कॉल्ड योर टाइम फ्रेम शुड इंक्लूड डेट्स बाय व्हिच यू प्लान टू मीट द रेवेन्यू जनरेटिंग माइलस्टोन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कस्टमर एंड मेजर करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट ₹10,000 सेल कर लेते हैं हम लोग, एंड सो ऑन, दैट यू कैन मॉनिटर द इंडिकेटर ऑफ योर बिजनेस टू ट्रैक द अचीव प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग द फंडिंग रन्स आउट। एज यू फोरकास्ट हाउ लॉन्ग योर फंडिंग नीड्स टू लास्ट, बी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स। तो आप लोगों को जब पता चल जाए कि आपकी फंडिंग कितने टाइम में खत्म होने वाली है या कितने टाइम के लिए आपको चाहिए,
फिर आपको दो चीजों से अवेयर होने की जरूरत है। द वन इज रनवे, द अमाउंट ऑफ टाइम फंडिंग नीड्स टू लास्ट बिफोर योर बिजनेस बिकम प्रॉफिटेबल एंड सेल्फ सफिशिएंट और अनटिल एडिशनल फंडिंग विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रनवे, आपको रनवे बनाना है कि अगर आप लोगों को इस तरह के प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है, आप लोगों ने एस्टिमेट कर लिया कि फ्यूचर में भी वो चीजें ग्रो अप करने वाली हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, उनको जहां से लोन ले रखा आपको कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी उसे खत्म करने। ठीक है, नेक्स्ट आपका बर्न रेट, द स्पीड ऑफ सॉरी द स्पीड विद व्हिच यू एक्सपेक्ट टू स्पेंड द फंडिंग यू हैव रेज्ड इन प्रैक्टिकल टर्म्स, द अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड एंड ईच मंथ टू कवर द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन बिजनेस। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने कैश की रिक्वायरमेंट है आपको बिजनेस में स्टे करने की, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, तो बर्निंग रेट वो आपको पता होना चाहिए। As every experienced entrepreneur knows, sales are only the result of long-line business activities beginning with the marketing research, manufacturing, inventory building, marketing and fulfillment and customer service. All these cost money which is supposed to come from revenues earned in the previous year or from financing, without the money nothing happens. So the best place to start your financial protection is the money. आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अदर तो सारे एक्सपेंसेस ही करने हैं, तो मेन जो रिवेन्यू है, मेन जो आपका पैसे आने का सोर्स है वो क्या है, बच्चा सेल है। ठीक है, तो आप लोगों को देख अपने सेल पर ज्यादा ध्यान रखना है कि किस तरह से बढ़ रही है, फ्यूचर में आपको कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं, कितने प्रॉफिट्स आपके पास रहने वाले हैं, किस तरह के एक्सपेंसेस आप लोगों को बेयर अप करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट अ प्रिलिमिनरी फर्स्ट ईयर बजट, एक फर्स्ट ईयर बजट आपको बनाना है ऑन योर रिटेल अर्निंग्स एंड प्लान इट अवेलेबल फॉर योर बैंक फ्रॉम योर बैंक। इफ यू आर प्रोजेक्टिंग स्टार्टअप फाइनेंशियल्स एंड डोंट हैव रिटेल अर्निंग्स और क्रेडिट, यूज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट टू रेज, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट बाय द फाउंडर्स एंड अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट इज बेस्ट बिकॉज स्पेंडिंग कैन फोर्स यू टू कट बैक जस्ट एज योर बिजनेस बिगिंस टू पिक अप। ठीक है, तो अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर एस्टिमेशन आप लोग बना लें, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फंड अपने पास रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो और वैसे भी एक एस्टिमेट बनाने के बजाय वो कह रहा है कंजर्वेटिव बजट बनाए कि उसमें एक्स्ट्रा ही रखें अपने पास। अगर आप इस तरह का बजट नहीं बनाएंगे तो आपको हो सकता है कि बैकफुट पे आना पड़े। ठीक है, और अगर बिजनेस स्टार्टअप का टाइम है उस टाइम ही अगर आप बैकफुट पे आ जाएंगे तो ये आपके बिजनेस के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। सो ऐसे में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं उनको आप स्कीम कर सकते हैं, हायर सेल टैक्स ऑन कमीशन होगी तो सेल बढ़ानी है तो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, सब कमीशन पे डिपेंड करेगी आपकी। But you must pay for any product or services you sell. ठीक है, also you need to balance your product inventory with customer demand. This takes a careful study of your target market, a demographics, psychographic and buying habits, and a pulse, plus a modest estimation of what percentage that of that market you will able to capture. तो ये सारा marketing का वक्त आ गया है कि आप लोगों को प्रोडक्शन कितना करना है, उसके लिए आपको कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को रॉ मटेरियल होल्ड करके चलना है, उसकी होल्डिंग आपकी कॉस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को देखनी है, कितनी आपकी सेल हो रही है, किस तरह की आपको मार्केट मिल रही है, कितनी कमीशन आप लोगों को देनी पड़ रही है, कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, आपकी कस्टमर की नीड्स क्या है, तो ये सब चीजें जब आप लोग देखेंगे एस्टिमेट बनाएंगे। An established company is able to assign a reasonably accurate percentage to the growth, but a startup must expect at least a quarter or virtually no sale. ठीक है, तो आप लोगों को अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोग अगर वर्किंग बिजनेस है तो आप लोगों को आप लोग चीजों को बहुत हद तक समझ चुके होंगे, लेकिन अगर आप लोग स्टार्टअप पॉइंट में हैं तो क्वार्टर तो कम से कम फर्स्ट क्वार्टर तो आप ये माने कि बस एक्सपेंसेस ही बेयर करेंगे और नो सेल वाली पोजिशन आप मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट उस टाइम तो आप एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उस टाइम आपको सिर्फ किसको एस्टिमेट करना है, अपने एक्सपेंसेस को, ओनली आउटफ्लो को एस्टिमेट करके चलना है। तो ये सब मेरा छोटी छोटी बातें हैं, पढ़िएगा और बताइएगा, इसमें एक भी है नीचे वार्निंग भी है किस तरह
समझ से आपको चीजों को हैंडल करना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।